हेलो दोस्तों, आज के व्लॉग में आप लोगों को लेके चलेंगे शिमला रेलवे स्टेशन। इसके अलावा एक्सप्लोर करेंगे बाबा भालकू रेल म्यूज़ियम, जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है शिमला में एक्सप्लोर करने के लिए। सो गाइस, बने रहिए हमारे साथ और एंजॉय कीजिए आज का ट्रैवल व्लॉग। सो दोस्तों, ये आपके सामने है शिमला का ओल्ड बस स्टैंड। हमारी जो आज की पहली डेस्टिनेशन है यानी बाबा भालकू रेल म्यूज़ियम, वो यहीं पर लोकेटेड है। गैस, ये हमारे सामने है रेल म्यूजियम का एंट्री गेट। आप देख सकते हैं कितना कूल और क्रिएटिव बनाया गया है ये। तो चलिए चलते हैं और एंटर करते हैं। सो दोस्तों, ये है आपके सामने बाबा भालकू का एक स्टैचू, जिनके नाम पे इस म्यूज़ियम का नाम रखा गया है। इनके बारे में आपको आगे और इन्फॉर्मेशन और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताएंगे। फ्रेंड्स, यह है रेल म्यूज़ियम की एंट्री। यहाँ से पहले आपको 30 रुपीज़ का टिकट लेना पड़ेगा, उसके बाद आप ये म्यूज़ियम एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों, बाबा भालकू रेल म्यूज़ियम ओपन किया गया था जुलाई 2011 में। वैसे तो ये म्यूज़ियम उतना बड़ा नहीं है, लेकिन नॉर्दर्न रेलवे से रिलेटेड यहाँ पर आपको बहुत से रेयर आर्टिफैक्ट्स और हिस्टोरिक आइटम्स देखने को मिल जाएगी। इस म्यूज़ियम में आपको ऐसी आइटम्स और पार्ट्स देखने को मिलेंगे जो ट्रेन्स में 20th सेंचुरी में यूज़ किए जाते थे। ऐसे ही एक आइटम है ये 150 पाउंड के 2 कैश बॉक्स। दोस्तों, इसके अलावा आपको लेबल्स, सील्स और बैचेस की एक वाइड कलेक्शन देखने को मिलेगी, जो रेलवे स्टाफ और पोर्टर्स द्वारा यूज़ की जाती थी। गाइस, अब आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देते हैं बाबा भालकू के बारे में, जिनके नाम पे ये म्यूज़ियम है। गाइस, कालका शिमला रेलवे लाइन को बनाने में बाबा भालकू का बहुत बड़ा योगदान है। कहा जाता है कि भालकू अपनी एक छड़ी से नपाई करते थे और जगह जगह पर सिक्के रख दिया करते थे। ये देखकर ब्रिटिश ऑफिशियल्स वहाँ पर निशान लगा दिया करते थे। दोस्तों, भारत तिब्बत सड़क बनाने में भी बाबा भालकू का बहुत बड़ा हाथ है। चायल के पास जाजा गांव में पैदा हुए बाबा भालकू वैसे तो अनपढ़ थे, लेकिन कुछ लोग उन्हें इंजीनियर, कुछ संत और कुछ लोग चरवाहे के रूप में देखते थे। सो दोस्तों, ये थी बाबा भालकू के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। अगर आप उनके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। दोस्तों, बाबा भालकू रेल म्यूज़ियम में आपको ये ओल्ड वुडन बेंचेस और चेयर्स देखने को मिलेगी, जो अलग अलग स्टेशनों के रेस्ट रूम्स में हुआ करती थी। इसके अलावा आपको यहाँ पर ब्रास लॉक्स, टिकट पंचिंग मशीन्स और ब्रास लैंप्स और लाटेन्स भी देखने को मिलेगी। गाइस, यहाँ आपको वुडन एम्बलम्स भी देखने को मिलेंगे और इसके अलावा स्टीम लोकोमोटिव जो हेडलाइट्स होती है वो भी देखने को मिलेगी। दोस्तों, इस म्यूजियम में आपको विंटेज सिल्वर कटलरी और वाइन ग्लासेस देखने को भी मिलेंगे। दोस्तों, ये जो अपने सामने आप रेल लाइन चेंज लीवर देख रहे हैं, ये इस म्यूजियम की सबसे ओल्डेस्ट चीज़ है, जो 1899 में बनाया गया था। दोस्तों, यह था बाबा भालकू रेल म्यूज़ियम का एक छोटा सा टूर। अगर आप लोग शिमला आने का प्लान करते हैं तो ये प्लेस ज़रूर विज़िट कीजिएगा। सो
सो दोस्तों अब हम निकल पड़े हैं रेलवे स्टेशन की तरफ, जिसका डिस्टेंस यहाँ से आधा किलोमीटर होगा। और नज़ारा देखिए बारिश के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल हो गया है। सो गाइज़ आप देख सकते हैं रेलवे ट्रैक से शिमला का ब्यूटीफुल नज़ारा, बारिश के बाद और भी सुंदर हो गया है व्यू। और आप देख सकते हैं फॉग में माउंटेन्स कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। तो दोस्तों यह है शिमला रेलवे स्टेशन, जहाँ से चलती है वर्ल्ड हेरिटेज कालका शिमला रेलवे। गाइस यह शिमला रेलवे बिल्डिंग एक हेरिटेज स्ट्रक्चर है, जिसका निर्माण किया गया था 1903 में। सो गाइस वी होप आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जाते जाते आपको हम ये शिमला का ब्यूटीफुल नज़ारा दिखाते हुए जाते हैं। आपसे अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।